मालाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व टिकट के दावेदारों ने संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर आगामी रणनीति बनाने के लिए चर्चा की। उन्होंने जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में पार्टी का बोर्ड बनाने की आगामी विचारधारा बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई है। कांग्रेस के कार्यकाल में अलवर में दिन प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं। मंत्री का क्षेत्र होते हुए भी क्राइम पर रोक नहीं लग रही है। भारतीय जनता पार्टी मंडल मालाखेड़ा ने जयपुर से अलवर आते समय राजसमंद सांसद एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा राजकुमारी दिया कुमारी का पूजा होटल मालाखेड़ा पर स्वागत किया। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरुका रहे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के अलवर ग्रामीण के सभी कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश से माननीय सांसद दिया कुमार जी का स्वागत किया है। उनके साथ हमारे जिले के जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरुका जी भी थे। आज हमारी सांसद महोदय एक दिन के प्रवास पर अलवर पधारी हैं और एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगी, और जो भी हमारे पार्टी की जो भी समस्याएं हैं, जो भी किसी भी तरह की बात है, उसको वो सुनकर जाएंगी। पार्टी मजबूत होगी जब हमारे प्रदेश के शीर्षस्थ नेता और केंद्र के शीर्षस्थ नेता जिस सांसद को या किसी पार्टी के पदाधिकारी को ग्रामीण स्तर ग्रास रूट पर भेजते हैं, तो हम तहे दिल से हमारे पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। दूसरा नंबर, वो जो डायरेक्शंस दिशा निर्देश देते हैं कि पार्टी में आप इतनी मेहनत और करिए, कार्यकर्ता को जोड़िए, कोई कमियां जो राज्य सरकार आज इस राजस्थान में काम कर रही है उनकी विफलताओं को भी गिनाने का और उनको दूर कराने का, निराकरण कराने का हमको एकजुटता का पाठ पढ़ा के गई है। आज हमारे अलवर में जो पधारी है तो वो हमारे यहाँ पर अभी जिला पार्षद और पंचायत समिति के चुनाव भी अलवर ज़िले में होने हैं, तो ये कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए आज प्रवास पर अलवर में आई है, क्योंकि अलवर ज़िले के चुनाव भी कुछ ही समय में अभी घोषणा होने वाली है शायद, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको सक्रिय कर रही हैं कि आप जनता के बीच में जाइए और माननीय प्रधानमंत्री की जो नीतियाँ हैं, जन कल्याणकारी नीतियाँ, उनको गाँव-गाँव में जाकर और उनका प्रचार प्रसार करिए। इस समय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने सभी सांसदों को कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जावें और वहाँ जाकर जनता को इन जन कल्याणकारी जो नीति है उनको बतावें, और ऐसा महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं जनता के बीच में जो काम कर रहा हूँ वो काम जनता के बीच में नेताओं के द्वारा पहुँचे या नहीं पहुँचे, उनका निरीक्षण करने के लिए ये हमारी जो सांसद महोदय है, ये प्रदेश की महामंत्री भी है, तो अलवर की जो राजनीतिक स्वरूप है उसको देखने के लिए आ जाइए अलवर में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है अलवर के अंदर।